हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएम ट्यूटोरियल्स। ट्रीज टॉपिक में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, जिसको हम पॉलिश एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। सपोज कर लो कि हमारे पास पी कोई गिवन पॉलिश एक्सप्रेशन है, हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है, उसमें नंबर्स होंगे, हमारे पास ऑपरेटर्स होंगे, ऑपरेंड्स होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स के बारे में बता देता हूँ कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। सपोज मेरे पास ये नंबर्स हैं, दो नंबर्स को मैंने प्लस किया, तो उसमें ऑपरेटर तो ये होगा, प्लस ऑपरेटर होता है, और जिनको हम प्लस कर रहे होंगे वो होंगे ऑपरेंड्स। तो इसको हम लिखेंगे ऑपरेंड्स और ये होगा ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर अब देखो आगे, सपोज हमारे पास पी कोई गिवन पॉलिश एक्सप्रेशन है, उसमें एस एक बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जैसे कि ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। और इसको हम बाइनरी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दो नंबर्स को ऑपरेट करवा रहे हैं, तो दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स दो हैं, इस कारण से बाइनरी एरिथमेटिक ऑपरेटर होगा। इसमें कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, पावर, कुछ भी हो सकता है। इसमें हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। अभी जो गिवन पॉलिश एक्सप्रेशन होगी ना हमारे पास, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जो होगी, उसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप नंबर वन क्या है, ट्रेवर्स पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कहते हैं आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन होगा ना, उसमें लेफ्ट टू राइट आपने प्रोसीड करना है। लेफ्ट टू राइट प्रोसीड करेंगे अंटिल वी फाइंड द स्ट्रिंग एस एक्स वाई, जब तक हमें एस एक्स वाई नाम की कोई स्ट्रिंग ना मिल जाए, ठीक है। स्ट्रिंग एस एक्स वाई कैसी होगी, सपोज की एस एक्स वाई है ना, तो इसमें एस हमारा एक ऑपरेटर है, यानी कि हम कोई भी ऑपरेटर प्लस मान लेते हैं। उसके बाद दो नंबर्स आएंगे 2, 3, जहां पर एक्स और वाई ऑपरेटर्स होंगे। तो इसको हम बोलते हैं एक स्ट्रिंग एस एक्स वाई की, जहां पर ये ऑपरेटर एक एस की फॉर्म में है और दो नंबर्स हैं एक्स और वाई। तो एस एक्स वाई की फॉर्म में होगा, जहां पर एक्स और वाई एक नंबर्स हैं जिनको हम ऑपरेंड्स बोलते हैं। इवेल्युएट कहते हैं कि आपको स्ट्रिंग तो ऐसी मिलेगी, लेकिन आपको ऑपरेट कैसे करना है, आपको ऑपरेट करना है एक्स एस वाई की तरह, यानी कि x पहले 2 + 3। वो तो ऑब्वियस ही बात है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, s जब तक बीच में नहीं आएगा तो हम किसी को ऑपरेट ही नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रिंग हमने ढूंढनी है एस एक्स वाई नाम की, लेकिन ऑपरेट उसको एक्स एक्स वाई की तरह करना है। देन कंटिन्यू द प्रोसेस अंटिल ओनली वन नंबर रिमेन्स। इस प्रोसेस को अब पता क्या होगा, इसमें हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे, बहुत से नंबर्स होंगे, तो हमें इस प्रोसेस को बार बार कंटिन्यू करना है। जैसे एक नंबर आया, फिर से दोबारा फर्स्ट स्टेप करो, फिर से सेकंड स्टेप करो, फिर से सेकंड थर्ड स्टेप करो। तो ये तब तक करना है जब तक आपके पास एक नंबर ना रह जाए। अब इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ। नाउ मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, इवेल्युएट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इसमें देख लो आप, ये काफ़ी सारे इसमें ऑपरेटर्स हैं, फिर ऑपरेंड्स भी आ रहे हैं, फिर से ऑपरेटर आ गया, फिर से ऑपरेटर आ गया, एंड देन दोबारा से ऑपरेंड्स है। अब हमने इसमें क्या पढ़ा था कि सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में सबसे पहले मुझे ढूंढना है एस एक्स वाई की फॉर्म, यानी कि पहले ऑपरेटर फिर दो ऑपरेंड्स, फिर हमने उसको सॉल्व करना है एक्स एस वाई की फॉर्म में। तो देखो हम स्टार्टिंग शुरू कर रहे हैं, और इन्होंने फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था कि लेफ्ट टू राइट चलना है, तो लेफ्ट टू राइट हम चलना शुरू कर रहे हैं। ऑपरेटर आ गया, लेकिन बाकी भी ऑपरेटर ही हैं, तो ऐसी फॉर्म तो बनी नहीं मेरे पास। तो हम इनको देखते हैं, देखो ये वाले ऑपरेटर, ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स, एस एक्स वाई की फॉर्म आ गई है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे स्टेप वन, ये स्टेप वन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 * 3, क्योंकि हमने बताया था कि एस एक्स वाई आपको फॉर्म मिलेगी, और उसको हम सॉल्व करेंगे एक्स एस वाई की फॉर्म में, तो ऑपरेंड बीच में आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 6, यानी कि इसकी जगह अब 6 आने वाला है। तो हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 6, 5 डिवाइड पावर 2, 3 एंड 4। अब मेरे पास आता है स्टेप टू। अब स्टेप टू में फिर से हम वही चीज़ करेंगे, एस एक्स वाई ढूंढेंगे। एस आ गया लेकिन एक्स वाई नहीं है, तो ये वाला बनता है हमारे पास एस एक्स वाई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 6 - 5 की फॉर्म में आंसर आएगा 1। दोबारा से हम इसको और रिड्यूस करेंगे तो बनेगा प्लस, इनकी जगह आएगा 1 डिवाइड पावर 2, 3 देन 4। फिर अब आएगा स्टेप 3। ये स्टेप तब तक करने हैं जब तक एक नंबर ना रह जाए, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, लेकिन आपको स्टेप्स फॉलो करते रहने हैं। फिर से अब इसमें हमारे पास ये बन रहा है ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 2 पावर 3, और 2 पावर 3 क्या होती है, 8, 2 पावर 3 8 होगी, इनकी जगह 8 आ जाएगा। अब नंबर क्या बनेंगे, प्लस 1 डिवाइड पावर, सॉरी डिवाइड की जगह आएगा 8, देन आएगा 4। नाउ स्टेप फोर में फिर से बस वही काम करना है हमने, इनमें से ये देखो यहाँ पर ऑपरेटर, ऑपरेंड, ऑपरेंड, ये आएगा 8 / 4 जो कि होता है 2। नेक्स्ट प्लस 1, ये आएगा 2। नाउ स्टेप 5,
अब मेरे पास लास्ट में यही बचा ऑपरेंड ऑपरेटर ऑपरेंड ऑपरेंड, तो इसलिए बनेगा 1+2 जो कि आंसर आएगा 3। तो मेरे पास इसका ओवरऑल आंसर क्या आ गया 3। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कुछ खास फर्क नहीं है। इसमें क्या होगा, एक मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो पॉलिश एक्सप्रेशन था अभी बनेगा रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन। यानी कि प्रीफिक्स को हम बोलते हैं पॉलिश एक्सप्रेशन और पोस्ट वाले को क्या बोलेंगे, रिवर्स पॉलिश एक्सप्रेशन। देखो इसमें इवेल्युएट करना है हमें, इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। हमारे पास ये नंबर्स हैं ऑपरेटर्स हैं, डिफरेंट आइटम्स हैं इसके अंदर। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, प्रीफिक्स में हमने क्या किया था, सबसे पहले हम उसमें ढूंढते थे एस एक्स वाई। हमें क्या करना है, इस एस के हिसाब से चलना है। अगर एस पहले है तो प्रीफिक्स, अगर एस बाद में देखेंगे तो हम देखेंगे पोस्ट फिक्स। अब क्या होगा इसमें, यानी कि इस बार हमने एस एक्स वाई नहीं एक्स वाई एस ढूंढना है। एक्स वाई एस ढूंढेंगे तो उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, एक्स एस वाई की फॉर्म में। आई होप समझ आ गया होगा, प्रीफिक्स के जैसा ही है, सिर्फ आपका ऑपरेटर इस बार एंड में ढूंढना है लेकिन सॉल्व उसको वैसे ही करना है एक्स एस वाई की फॉर्म में। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास ये वाला है हमारे पास, तो इसमें हम सबसे पहले ढूंढेंगे, यहाँ पर मैं शो कर देता हूँ कि एक्स वाई एस की फॉर्म ढूंढनी है हमें। एक्स वाई एस यानी कि पहले दो नंबर्स फिर एक ऑपरेटर, पहले दो नंबर्स लेकिन बाद में एक नंबर आता है, फिर इसको छोड़ो। अब नेक्स्ट देखो, ये दो नंबर्स एक ऑपरेटर, तो ये हमारा सेट हो जाता है। इसमें हम क्या करेंगे, 2*3 इसका आंसर आएगा 6। अब रिड्यूस होकर क्या बनेगा, 7 6 -4 power 9 3 divide +। नाउ फिर से दोबारा स्टेप शुरू करेंगे। ये था मेरा स्टेप वन, तो यहाँ पर ही आ जाएगा, ये हमारा है स्टेप टू। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप टू में फिर से वही काम करना है हमें, दोबारा से दो नंबर ढूंढो और एक ऑपरेटर ढूंढो। ये दो नंबर्स और एक ऑपरेटर, हमेशा ध्यान रखना आपको लेफ्ट टू राइट ही चलना है। एक बार खत्म हो गया दोबारा फिर से लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करो। तो दो नंबर्स एक ऑपरेटर, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 7 - 6 यानी कि आंसर 1 आएगा। तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या बनता है, 1 4 power 9 3 divide +। नाउ स्टेप थ्री के लिए वापस हम वही काम करेंगे, 1 4 और एक ऑपरेटर आ गया। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 1 power 4 क्या होती है, 1 की जितनी मर्जी पावर कर दो 1 आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 9 3 divide +। नाउ स्टेप फोर में देखो, अगर हम 1 और 9 लेके चलते हैं तो दोबारा से एक नंबर और आ जाता है। तो हम नेक्स्ट पे जाना शुरू करेंगे, 9 3 और divide, इसको हम सॉल्व करेंगे। जब 9 को डिवाइड करते हैं 3 से तो आंसर आता है 3 आएगा। तो रिड्यूस होके क्या बनेगा, 1 3+। नाउ स्टेप फाइव में क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे पास दो नंबर और एक ऑपरेटर बचा है, इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे, 1+3 यहाँ पर आ जाएगा 4। तो मेरे पास ओवरऑल जो आंसर है वो आया 4। नाउ हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इज देयर अ बाइनरी ट्री विद हाइट 6 एंड 65 लीव्स। इसमें पूछ रहे हैं क्या हमारे पास कोई बाइनरी ट्री ऐसा पॉसिबल है जिसमें हाइट 6 हो और लीव्स 65 हो। इसको निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेवल्स निकालेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ लीव्स का होता है ना, नंबर ऑफ लीव्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 power r, जहां पर r क्या होता है, r इज अ लेवल। और लेवल कैसे निकाला जाएगा, लेवल होता है हाइट में से 1 लेस करना। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, जब हमने ट्रीज के बेसिक्स किए थे वहां पर था, ठीक है। लेवल क्या होता है, हाइट से एक कम, और अगर हम उस लेवल को 2 की पावर पे रखते हैं तो हमारे पास आएगा नंबर ऑफ लीव्स। देन अब इसमें हम निकाल कर देखते हैं, पहले हम लेवल निकालते हैं, लेवल कितने होंगे, हाइट कितनी है हमारे पास, 6 है। हाइट को हम 6 पुट करेंगे, 6 - 5 = 1, यानी कि इसमें 5 लेवल्स हैं। तो नंबर ऑफ लीव्स कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ लीव्स 2 power 5, यानी कि इसका आंसर आएगा 32। लेकिन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि क्या कोई ऐसा ट्री पॉसिबल है जिसकी हाइट 6 हो 65 लीव्स हो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास अगर 5 लेवल्स है तो उसके लिए नंबर ऑफ लीव्स 32 आती है, जो कि कॉन्ट्रडिक्ट हो गया, इसलिए ये ट्री पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है स्पैनिंग ट्री। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ। मान लो जी ए कनेक्टेड ग्राफ है और एक सबग्राफ टी है जी का, उसको हम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे, जब टी एक ट्री होगा। सपोज मेरे पास एक जी ग्राफ है और टी उसका एक सबग्राफ है, इसको हम ट्री कब बोलेंगे,
ट्री तब बोला जाएगा, सॉरी उसको हम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे, इस चीज को हम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे, जब पहली बार तो एक ट्री होना चाहिए तभी हम इसको स्पैनिंग ट्री बोल पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि अगर ट्री एक ट्री है, और सेकंड क्या, टी कंटेन्स ऑल वर्टिसेस ऑफ जी, अगर टी जी के सारे वर्टिसेस कंटेन करता है। फॉर एग्जांपल हमने ये वाला एग्जांपल लिया, हम इस जी को एक ग्राफ, इस ग्राफ को एक जी मान लेते हैं और ये एक सब ग्राफ है, इसको टी मान लेते हैं। टी इसकी शेप पर नहीं जाना आपने, नॉर्मल हमने इसका नाम एक टी रखा है। अब इस ग्राफ को हम स्पैनिंग ट्री कब बोल सकते हैं, पहली बात तो ये ग्राफ है, ये इसका एक सब ग्राफ है। अब इसको हम स्पैनिंग ट्री कब बोल सकते हैं, पहली कंडीशन तो ये है कि एक ट्री होना चाहिए। ट्री की कंडीशंस क्या थी, इसमें कोई भी वर्टिसेस आपके सर्किट नहीं बनाने चाहिए, इसमें कोई भी सर्किट नहीं बन रहा, तो ये एक ट्री है। लेकिन ये एक ट्री नहीं है, ट्री क्यों नहीं है, क्योंकि देखो इसमें सर्किट्स बन रहे हैं, दो दो सर्किट्स बन रहे हैं इसके अंदर, तो ये एक ट्री नहीं है, लेकिन इसका एक सबग्राफ एक ट्री है। अब इसको हम स्पैनिंग ट्री बोले तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसके सारे वर्टिसेस, जी के सारे वर्टिसेस टी में आने चाहिए। तो देखो जी के कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, यही 4 वर्टिसेस इस टी में भी आ रहे हैं, अभी हम इसको स्पैनिंग ट्री बोल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अ मिनिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ ए वेटेड ग्राफ, सबसे पहले मेरे पास एक वेटेड ग्राफ होना चाहिए, इज अ स्पैनिंग ट्री, एक मिनिमल स्पैनिंग ट्री, एक स्पैनिंग ट्री होगा विद द कंडीशन दैट, एक कंडीशन होगी इसके अंदर कि सम ऑफ वेट्स ऑफ ट्री इज एज स्मॉल एज पॉसिबल, कि जब हम उन वेट्स का सम करेंगे तो जितना जितना कम हो सके उतना कम हो। हमारे पास एक गिवन वेटेड ग्राफ है जिसमें हमारे पास ये वेट्स हैं अलग अलग 3, 4, 6 और 7। तो मिनिमल स्पैनिंग ट्री हम कैसे बनाएंगे, मिनिमल स्पैनिंग ट्री वैसा होगा कि जिसमें हमारे पास जो कंडीशन है कि सम ऑफ वेट्स वो मिनिमम हो, कम से कम जितना आ सकता है उतना कम हो। सपोज अगर हम ये लेकर चले 7, 3 और 4, 7, 3, 10 और 4, 14 आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोई और कंडीशन चेक करते हैं कि 14 से कम भी कोई आ पा रहा है। अगर हम 7, 6 और 4 करें तो इसमें 17 आएगा, इसमें भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम 3, 4 और 6 करें तो 3, 4 और 6 में आएगा 13, तो ये मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो इसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसका आंसर ऐसे आएगा कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा कुछ ऐसे, और इसमें वेट्स होंगे 3, 4 एंड 6। ये होगा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट है मैक्सिमल स्पैनिंग ट्री। मैक्सिमल स्पैनिंग ट्री और मिनिमल स्पैनिंग ट्री ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही है। इसमें देख लो, मैक्सिमल स्पैनिंग ट्री ऑफ ए वेटेड ग्राफ इज अ स्पैनिंग ट्री विद द कंडीशन दैट सम ऑफ द वेट्स ऑफ ट्री इज एज लार्ज एज पॉसिबल। इसमें क्या करना है कि हमारे जो स्पैनिंग ट्री होगा उसका तो वेट्स का सम होगा, वो जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम हमें लेके आना है। इसमें देखो जो हमने पहले चेक किया था, तो ये वाली जो वैल्यू थी ये मैक्सिमम हमें रिजल्ट दे रही थी 7, 6 और 4, जिसमें आंसर क्या आ रहा था 17। तो यही हमारा आंसर होगा इस बार भी। इसमें हम मैक्सिमम स्पैनिंग ट्री कैसे बनाएंगे, ये बनेगा ऐसे, जहां पर ये 7 होगा, 6 होगा और ये 4 होगा, ये होगा मैक्सिमल स्पैनिंग ट्री। नेक्स्ट टॉपिक है केलीज थ्योरम। द कंप्लीट ग्राफ kn हैज n पावर n माइनस 2 डिफरेंट स्पैनिंग ट्रीज। मेरे पास कोई कनेक्टेड कंप्लीट ग्राफ है जिसमें एक जिसको हम kn की फॉर्म में शो कर रहे हैं, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं। तो उसमें कितने स्पैनिंग ट्री बनेंगे, n पावर n माइनस 2, यानी कि जितनी पावर है उसी को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे तो उतने ही स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे, जहां पर n क्या होगा, नंबर ऑफ वर्टिसेस होंगे। अब सपोज n 1 है तो वहां पर नॉट एप्लीकेबल होगा। नॉट एप्लीकेबल क्यों होगा, n 1 का मतलब क्या है कि एक ही वर्टेक्स है, जब एक ही वर्टेक्स होगा तो वहां से कोई एज ही नहीं निकलेगा, जब कोई एज ही नहीं निकलेगा तो ट्री भी नहीं बनेगा। इसलिए हमें यहाँ पर बोल दिया कि n इज इक्वल टू 1 पर नॉट एप्लीकेबल है। इफ n इज इक्वल टू 2 तो उसको हम लिखेंगे k2, 2 पावर में, देखो यहाँ पर ध्यान दो k की वैल्यू 2 है तो n की जगह 2 आएगा, n की जगह 2 आएगा, 2 माइनस 2, एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है, तो 1 आंसर आ गया। तो यहाँ पर देखो एक स्पैनिंग ट्री बनेगा हमारे पास। इफ n इज इक्वल टू 3, जब n 3 होगा तो k3 की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 3 आएगी, यानी कि इसमें 3 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे। तो हमने इसको ऐसे बना दिया, 3 हमने वर्टेक्स लगाए, 3 वर्टिसेस लगाकर हमने जितने पॉसिबल स्पैनिंग ट्रीज थे वो बना दिए। अब सपोज इसमें अगर n की वैल्यू 4 है तो इसमें स्पैनिंग ट्रीज तो हमारे पास बनेंगे 16। यहाँ पर हम 4 पुट करेंगे, 4 माइनस 2, यानी कि 4 की पावर 2, और इसमें बनेंगे 16 ग्राफ्स। इसमें आपको एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हमारे पास जब 16 ग्राफ्स हम इसमें स्पैनिंग ट्रीज बना रहे होंगे तो 16 स्पैनिंग ट्रीज में आपके पास कुछ एक ऐसा भी आएगा, जहां पर आपको लगेगा कि पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा यहाँ पर एक सर्किट बन रहा है, लेकिन ध्यान रखना इसमें सर्किट नहीं है। सर्किट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अगर हम इस सर्किट को मान के चले तो यहाँ पर देखो वर्टेक्स तो दो ही है ना, यहाँ पर तो कोई वर्टेक्स नहीं है, यानी कि ये लाइन
यहाँ तक मानी जाएगी, ये एच जो है यहाँ तक माना जाएगा, इस कारण से सर्किट नहीं है, इसको हम एक ट्री मान के चलेंगे। तो सिमिलरली आप यहाँ पर चेक कर लेना, 16 स्पैनिंग ट्रीज बनेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्कल्स एल्गोरिदम। क्रिस्कल्स एल्गोरिदम को हम क्यों यूज कर रहे हैं? टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री, मिनिमल स्पैनिंग ट्री को फाइंड आउट करने के लिए। सपोज मेरे पास जी ए कनेक्टेड ग्राफ है जिसमें एन वर्टिसेस है, ये बहुत ध्यान से करना है कि इसमें एन वर्टिसेस है, इसको आपको याद रखना है। सब स्टेप वन क्या होगा, राइट ऑल द एजेस ऑफ ग्राफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। हमारे पास ग्राफ के वेट्स दिए होंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक हमें सेट बनाना है, सेट बनाना है जिसमें एजेस होंगे ग्राफ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है स्मॉलेस्ट एज, स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट एज को सिलेक्ट करना है जी में से। फॉर ईच सक्सेसिव स्टेप सेलेक्ट अनदर स्मॉलेस्ट एज ऑफ जी विच मेक्स नो साइकिल विद द प्रीवियस साइकिल सेलेक्टेड एजेस। हमें क्या करना है, उसके बाद जैसे मैंने एक स्मॉलेस्ट एज मैंने सेलेक्ट कर लिया है S1 नाम का, फिर अब मुझे उसी ग्राफ में से कोई और स्मॉलेस्ट एज उससे नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर का, जैसे सबसे पहले मैंने एक ग्राफ सेलेक्ट किया जिसका वेट था 2, अब मैंने नेक्स्ट ग्राफ सेलेक्ट नेक्स्ट एज सेलेक्ट किया जिसका वेट था 3, उसको मैंने S2 नाम दे दिया, फिर नेक्स्ट लिया उसका वेट था 4, फिर उसको मैंने S3 नाम दे दिया। तो कंडीशन ये है कि जब हम S2 सेलेक्ट कर रहे होंगे तो वो जो जो एज है वो प्रीवियस के साथ कोई सर्किट नहीं बनाता होना चाहिए, कोई साइकिल नहीं बनता होना चाहिए, सर्किट नहीं सॉरी कोई साइकिल ना बनता हो उसका उसके साथ, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद स्टेप 4 क्या है, गो ऑन रिपीटिंग स्टेप 3। हमें स्टेप 3 को बार बार हमें रिपीट करना है जब तक N-1 एजेस को हम सेलेक्ट ना कर ले। N-1 यानी कि अगर मेरे पास 5 वर्टिसेस है तो मुझे 4 एजेस तो सेलेक्ट करने ही करने हैं। देन सम ऑफ वेट्स ऑफ दिस, जब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, हम एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना रहे होंगे तो हमें क्या करना है, सम करना है सभी वेट्स का, जो भी हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना देंगे उनका वेट का सम करना है, तो हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ जाएगा। क्रिस्कल्स एल्गोरिदम पर एक एग्जाम्पल है, फाइंड द मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ वेटेड ग्राफ यूजिंग क्रिस्कल्स एल्गोरिदम। ये हमारे पास ग्राफ है, अब इस ग्राफ में से हमने क्या निकालना है, मिनिमल स्पैनिंग ट्री निकालना है। अब इसमें देखो हमारे पास वर्टिसेस कितने, सबसे पहले मुझे वर्टिसेस काउंट करने होंगे, वर्टिसेस कितने, ABCDE 5 वर्टिसेस है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस आगे 5। हमें सबसे पहला काम क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टिसेस देखना। अब सेकंड स्टेप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल एजेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट्स। हमें सभी एजेस को लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेट में। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ब्रेसिस के अंदर। इसमें हमारे पास सबसे पहले जिसका सबसे लेस वेट है CD है, CD लिखो यहाँ पर। देन इसके बाद मेरे पास 2 नंबर वाला कौन सा आता है, CE और BD। अब मैंने 1 सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे CE लेना है, CE लेंगे या BD लेंगे, BD लेंगे क्योंकि CE का एक साइकिल बन जाता है, तो इसमें पहले हम BD लेंगे क्योंकि हमें वो लेना है जिसमें कोई साइकिल ना बने। BD ले लिया, BD के बाद क्या आएगा, CE। देन 2 वाले भी खत्म हो गए, अब हम 3 पे जाएंगे, तो 3 में कौन कौन से है, DE AD एंड AB। अभी लास्ट टाइम ने लिखा था CE, तो CE के साथ हम ये नहीं लेंगे, इसको हम बाद में लेंगे, ना ही हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले हम AB लेते हैं, तो इसमें आएगा AB, AB के बाद हम लेंगे CD, सॉरी AB के बाद लेंगे हम DE, देन DE के बाद लेंगे CD। तो 3-3 वाले कंप्लीट हो गए, अब 4 वाला एक बचा है जो है AC, तो ये हमने लिख दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब हमें क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ हम कब तक करेंगे, जब तक हमारे पास N-1 एजेस ना आ जाएं। N-1 यानी कि मेरे पास वर्टिसेस तो 5 है, अब इसमें से एक लेस कर दो, जब एक लेस करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि जब तक हम 4 एजेस को सिलेक्ट ना कर लें तब तक हम इसको कंटिन्यू ड्रॉ करते रहेंगे। तो सबसे पहले CD आ गया मेरे पास, CD को हम ड्रॉ करेंगे। CD किस फॉर्म में ऐसे है, तो मैंने पहले बनाया CD, ये तो हो गया स्टेप 1। आप ये सभी स्टेप्स अलग अलग करके लास्ट में सबको मिक्स भी कर सकते हो, मैं अभी एक ही में कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इसको आपको शो कर देता हूँ, ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या होगा, अब मुझे BD ड्रॉ करना है। BD कहाँ पर है, ये BD ये रहा, ठीक है, ये BD ऐसे बनेगा, यानी कि पहले मुझे CD बनाना पड़ेगा, ये आया CD, देन BD, ये हमारे पास आया BD। अब हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड स्टेप ड्रॉ करेंगे। थर्ड स्टेप हम ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, AB के बाद इसमें था, अब देखो हमने BD बना दिया, BD के बाद बारी है CE की। CE हमारे पास ऐसे है, तो हम इसको दोबारा से थर्ड स्टेप बना रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो पुराना हमने बनाया था वो तो ऐसे ही आएगा, CD, फिर आएगा BD,
उसके बाद हमें बनाना है सीई, सीई बनेगा ऐसे, ये नीचे की तरफ आएगा सीई, नौ सीई के बाद है ए बी, सी के बाद ए बी ऐसे बनेगा। तो स्टेप फोर कैसे आएगा इसमें, इसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे और ऐसे, ये है बी डी सी और ई, ए बी बनेगा इस तरफ। अब देखो हमारे पास वर्टिसेस थे फाइव, फाइव वर्टिसेस थे और हमने फोर एजेस सेलेक्ट कर लिया मिनिमल स्पैनिंग ट्री। अब इसमें हम वेट्स लिख देते हैं साथ में, वेट क्या क्या है, ए बी का वेट है थ्री, बी डी का वेट है टू, सी डी का वेट वन है, सी ई का वेट है टू। देन मिनिमल स्पैनिंग ट्री, हमारे पास मिनिमल स्पैनिंग ट्री का टोटल हमारे पास काउंट कितना आएगा, थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस टू, थ्री प्लस टू प्लस वन प्लस टू, सिक्स सेवन एट, यानी कि मिनिमल स्पैनिंग ट्री हमारे पास ये वाला बनेगा और उसकी मिनिमम लेंथ क्या आएगी, एट आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिम्स एल्गोरिथम टू फाइंड मिनिमल स्पैनिंग ट्री। हमें सपोज करना है ग्राफ जी है मेरे पास जिसमें एन वर्टिसेस है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मुझे कोई एक वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, कोई एक वर्टेक्स हम सेलेक्ट करेंगे ग्राफ के अंदर, उस वर्टेक्स से मुझे एक नियरेस्ट नेबर ढूंढना है। नेक्स्ट स्टेप है कि उस वर्टेक्स से मुझे एक नियरेस्ट नेबर ढूंढना है जिसका नाम होगा वी ए। सपोज मेरे पास जैसे एक पॉइंट है, ये मेरे पास एक पॉइंट है, इसको मैंने वी वन नाम दिया, तो मुझे इसके नियरेस्ट एक पॉइंट और देखना है जिसको मैंने नाम दिया वी आई। अब वो पॉइंट इधर भी हो सकते हैं, इन दोनों में से आपको देखना है नियरेस्ट पॉइंट कौन सा पड़ेगा, तो मुझे उसको कनेक्ट करना है। जब वो कनेक्ट हो गया तो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, वी वन और वी आई, टेकिंग वी वन वी आई एज वन सबग्राफ। अब इन दोनों को मुझे एक सबग्राफ लेके चलना है, अब इसके नज़दीक देखेंगे और कौन सा पॉइंट आएगा। तो सपोज मेरे पास कोई वर्टेक्स वी के है, वो इसके नज़दीक पड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, द न्यू वर्टेक्स, अब उसको हम लेट कर लेंगे। जब उसको हम लेट करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो न्यू वर्टेक्स हम सेलेक्ट करेंगे वो प्रीवियस जो वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर चुके हैं उसके साथ कोई साइकिल ना बनाता हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। गो ऑन रिपीटिंग स्टेप थ्री, अभी स्टेप थ्री को हमें तब तक रिपीट करना है जब तक एन वर्टिसेस हैव बीन कनेक्टेड। जितने वर्टिसेस आपको ग्राफ में दिए गए थे, अगर मान लो कि स्टार्टिंग में ग्राफ में पांच वर्टिसेस थे, तो पांचों वर्टिसेस कनेक्ट होने चाहिए आपके, और एजेस कितने हो, एन माइनस वन। अगर पांच वर्टिसेस हैं तो फोर एजेस होने चाहिए हमारे पास। द सम ऑफ वेट्स ऑफ दीज एन माइनस वन एजेस, तो इन एन माइनस वन एजेस का जो सम होगा, इनके वेट्स का जो सम होगा, वो बनाएगा हमारा मिनिमल स्पैनिंग ट्री। ये है प्रिम्स एल्गोरिथम। अब इसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ ताकि क्लियरली समझ आ जाए। प्रिम्स एल्गोरिथम पर एग्जांपल है, हमारे पास एक ग्राफ है, वेटेड ग्राफ है, इसका मुझे मिनिमल स्पैनिंग ट्री बनाना है यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिथम। तो प्रिम्स एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग सबसे पहले मुझे एक वर्टेक्स लेना पड़ेगा, जो कोई भी हम वर्टेक्स ले सकते हैं, या तो आपको गिवन होगा या हम खुद से बांध सकते हैं। सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं ए से, जब हम ए से स्टार्ट करेंगे स्टेप वन, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टार्ट फ्रॉम ए, हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे पास आया पॉइंट ए वर्टेक्स ए। अब सबसे पहला काम क्या है कि ए के आसपास हमें देखना है कि सबसे नियरेस्ट नेबर कौन सा है, इसका नियरेस्ट नेबर नेबर्स कौन कौन से है, बी और सी है, नियरेस्ट कौन सा पड़ेगा, ये थ्री डिस्टेंस पर है, ये फोर डिस्टेंस पर है, तो बी नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ पर हमने बनाया ए बी। ये आ गया हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग, सॉरी इसका फर्स्ट लेंथ आई हमारे पास। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब ए और बी को, ए और बी को एज ए सबग्राफ मान के अब हम इसका नियरेस्ट नेबर देखेंगे कौन सा है। स्टेप टू में क्या आएगा, हमें ए और बी के पास देखना है कि नियरेस्ट नेबर कौन सा है। बी के पास देखो कौन सा है, हमारे पास एक सी है और एक डी है, ए और बी से सबग्राफ के पास सी और डी पॉइंट है। अब नज़दीक कौन सा पड़ेगा, ये टू पे है, ये फोर पे है, तो नज़दीक टू पड़ रहा है, हम इसमें क्या करेंगे, अब इसमें एक एडिशन और हो जाएगी, ए हमारे पास पहले सी था, बी भी था, अब हमारे पास आ गया डी, तो इसके हम वेट्स साथ में लिख देते हैं, इसका थ्री है और इसका टू है। नाउ अब हमारे पास सबग्राफ क्या आ गया, ए बी डी, अब इनके पास देखो कौन सा नियरेस्ट नंबर पड़ रहा है, हमारे पास एक तो सी है और एक ई है, नज़दीक कौन सा पड़ेगा, इधर से थ्री पड़ेगा, इधर से वन पड़ेगा, तो सी सी नज़दीक पड़ रहा है। नाउ स्टेप थ्री, हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं नियरेस्ट नेबर टू ए बी डी इज सी, हम हर स्टेप में इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो नियरेस्ट नेबर इसमें ए बी डी का सी है, अब उसको हम साथ में इसके ऐड कर देंगे कि मेरे पास ए था, यहाँ पर बी था, यहाँ पर डी था, ए बी डी एंड देन सी। अब नेक्स्ट सवाल ये है कि हमें कब तक करना है ऐसा, ये हम तब तक करेंगे जब तक सभी वर्टेक्स कंप्लीट ना हो जाए, सभी वर्टेक्स को मुझे कनेक्ट करना है। मेरे पास वर्टेक्स कितने थे, ए बी सी डी ई, पांच वर्टेक्स थे,
अभी तक हम चार वर्टेक्स कनेक्ट कर चुके हैं, सिर्फ एक वर्टेक्स और बचा है, जहां हमने उसको भी कनेक्ट कर दिया वहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। अब नोट करो ए बी डी के पास, ए बी डी के पास हमारे पास सी था, अब हम चेक करेंगे ए बी डी सी के पास कौन सा वर्टेक्स है। अब ए बी डी सी के पास हमारे पास है ई वर्टेक्स, यहां पर हम नोट कर देंगे। स्टेप फोर मेरे पास आएगा नियरेस्ट नेबर टू ए बी डी सी इज ई। ए बी डी सी के पास हमारे पास ई वर्टेक्स नजदीक पड़ेगा। अब हम इसको आगे और फर्दर कनेक्ट कर देंगे, हमारे पास ए था बी था, देन हमारे पास सी आया, फिर हमारे पास आया सी, देन हमारे पास डी आया, फिर हमारे पास आया सी, देन आएगा ई। अब इनके वेट्स भी लिख दो साथ के साथ, वेट्स हमारे पास क्या थे 3, 2, 1 एंड सी से लेकर ई तक का वेट है 2। तो ये हमारे पास आ गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हम यहाँ पर स्टॉप क्यों हुए, क्योंकि इसमें सारे वर्टेक्स कंप्लीट हो चुके हैं और एजेस कितने हैं n-1, यानी कि जितने वर्टेक्स थे उससे एक लेस। वर्टेक्स कितने हैं 5 वर्टेक्स है, एक लेस कर दो तो 4 एजेस होने चाहिए, 1, 2, 3, 4 4 एजेस आ चुके हैं। अब इसका अगर हमें टोटल वेट निकालना तो कितना आएगा 3 + 2 + 1 + 2 यानी कि इसमें कितना आएगा 5 और 6, 8। ये हमारे पास आ चुका है मिनिमल स्पैनिंग ट्री प्रिम्स एल्गोरिथम से। इसी के साथ आपका ट्रीज टॉपिक खत्म हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।